गीता फोगट, बबीता, विनेश फोगट, पूजा ढांडा और अलका तोमर, ये हैं पांच खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक दिलाए हैं। और अब एक छठी खिलाड़ी उभर कर सामने आई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पदक पक्का कर लिया है। हम बात कर रहे हैं अंशु मलिक की, वही अंशु मलिक 57 किलोग्राम में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से चुनौती रखी थी और इस खिलाड़ी ने यहाँ पदक पक्का कर लिया। पदक ही नहीं पक्का किया बल्कि मैं तो कहूँगा इन सब खिलाड़ियों से एक कदम और आगे बढ़ा दिया, यानी वो फाइनल में पहुँच गई हैं। आज तक कोई भी भारतीय महिला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुँची हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पुरुषों की कुश्ती को भी यदि हम मिला लें तो अब तक 6 भारतीय हैं, ये छठी भारतीय होंगी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। विशंबर सिंह 1967 में नेशनल स्टेडियम, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी, सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके बाद लंबे अरसे के बाद सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था मास्को में और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर अमित दहिया फाइनल में पहुंचे, उसके बाद बजरंग पूनिया और फिर दीपक पूनिया। दीपक पूनिया ने 2019 में अस्ताना में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके फाइनल में जगह बनाई थी और अब फाइनल में जगह बनाने वाली खिलाड़ी आई उभर कर सामने आई हैं अंशु मलिक। और अंशु मलिक का मुकाबला फाइनल में होगा हेलन मॉरोलिस से। जी हाँ, आपको नाम सुना हुआ लग रहा होगा, ये वही हेलन मॉरोलिस हैं जिन्होंने प्रो रेस्टिंग लीग में भी शिरकत की थी। ये वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं, ओलंपिक चैंपियन भी रही हैं, लेकिन टोक्यो में अपने स्वर्ण पदक की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल इन्हें तब भी हासिल हुआ था। और अपर बॉडी अटैक इनके बहुत ही गजब के होते हैं, लेग अटैक इनके पहले से ही बहुत ही उसमें सिद्धस्त रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब उनके सामने क्या रणनीति होनी चाहिए। आज भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे से फाइनल शुरू हो जाएंगे, 9 बजे के आसपास आपको इनका फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो ज़्यादा अटैकिंग है और पावर के मामले में हेलन मॉरोलिस पर भारी पड़ती हैं। तो अगर इनकी पावर काम कर गई और अगर इन्होंने अच्छे लगातार ताबड़तोड़ अटैक बोले तो निश्चित तौर पर ये दिन इनका हो सकता है और भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकता है अंशु की वजह से। जी हाँ, अंशु मलिक जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, अगर आप देखें तो वर्ल्ड कैडेट चैंपियन रहीं, एशियन जूनियर चैंपियन रहीं और उसके अलावा वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था पिछले 2020 में उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त कोई भी भारतीय कोई पदक हासिल नहीं कर पाया था, ये इकलौती भारतीय दल की सदस्य थी जिन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ 2021 में, तो यानी इसी वर्ष, वहाँ भी इन्होंने जब ये उतरी तो इनके गले में सोने का तमगा झूल रहा था। तो उम्मीद कीजिए कि ये एशियन चैंपियन जो है वर्ल्ड कप की जो सिल्वर मेडलिस्ट है अब वर्ल्ड चैंपियन बने और इनके और हेलन मॉरोलिस की जो कमजोरियां हैं उसको भांपे और अच्छी रणनीति बनाए। कोचेस तो इसमें लगे होंगे रणनीति बनाने में और वो मैट पर इसे अंजाम दें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।